हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। सो आज हम लोग मेटल एंड नॉन मेटल के एमसीक्यूज ख़त्म करने वाले हैं। लास्ट क्लास से हमने आई थिंक 63 62 तक कर लिया था। चलिए इसके आगे हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम। विच आर द फॉलोइंग कैन नॉट बी बीटन इनटू शीट्स, किसको हम लोग शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, मतलब कोई भी ऐसा आपको इसमें से ऑप्शन में बताना है कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको हम लोग थोड़े से या किसी से भी मार मार के उसको शीट की तरह नहीं बना सकते। गोल्ड को हम इजीली बना सकते हैं, गोल्ड को सिल्वर भी बन जाता है, पोटेशियम नहीं बनता, पोटेशियम नहीं बनता आपका, ठीक है, पोटेशियम। चलिए आगे देखिए, आसान क्वेश्चन था, बाकी तो आपने पढ़ा ही था सब कुछ। आगे देखिए, अगर मैटर रिएक्ट करे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो क्या निकलता है, तो इसमें से आपकी हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी ही इसका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अगर आपने मेरे चैप्टर देखे होंगे मेटल नॉन मेटल, उसमें मैंने 90% चीज़ें आपको करवा दी हुई हैं, ठीक है, बाकी प्रैक्टिस के लिए ये एमसीक्यूज होते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, तो जो वायर में बन जाए, बहुत अच्छे से करवाया था, कुछ ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं आपको, तो उसका आंसर होगा आपका डक्टिविटी, ठीक है। मैलेबिलिटी क्या होती है, जब कोई चीज़ को हम शीट में कन्वर्ट कर सकें, ठीक है। चलिए आगे देखिए, 67 देखिए, दी प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट, तो किसको थिन शीट में हम, अभी मैंने जस्ट ऊपर बता भी दिया आपको, मैलेबिलिटी, ठीक है, मैलेबिलिटी जिसको हम शीट की तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, और डक्टाइल होता है जब हम वायर की तरह। विच मेटल यूज एज रेडिएशन शील्ड, कौन सा मेटल इसमें यूज़ किया जाता है रेडिएशन शील्ड के, रेडिएशन के लिए, तो उसका आंसर होगा आपका लेड, क्योंकि लेड में करंट पास नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेटल यूज फॉर मेकिंग बोट्स बिकॉज इट्स डज नॉट कोरोड बाई सी वाटर, मतलब कौन सा मेटल यूज़ किया जाता है आपका, जो किसके लिए, बोट्स बनाने के लिए, शिप बनाने के लिए, क्यों, क्योंकि इसको जंग नहीं लगता, तो कौन सा होता है वो आंसर, देखो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर रहेगा आपका टाइटेनियम, टाइटेनियम को जंग नहीं लगता, बाकी सिल्वर को जंग लग सकता है, कोबाल्ट आयरन को लग सकता है, तो आंसर होगा टाइटेनियम। द मेटल विद हाइएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी, तो सिल्वर सीधा सीधा आंसर आपका, मान लें इनर क्वेश्चन है, तो सिल्वर सबसे ज़्यादा बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है, ये याद रखना आपको। मोस्ट लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन, मेटल कौन सा है, तो आंसर इसका प्लैटिनम, ये वन लाइनर क्वेश्चन है। चलिए एरोप्लेन के लिए जो मेटल यूज़ होता है, ये याद करना आपको, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्या होता है वो, पलेडियम, पलेडियम, ये मैंने आई थिंक एक्सप्लेन किया था आपका जब मेटल नॉन मेटल पढ़ाया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट मेटल, इसमें सबसे हार्डेस्ट कौन सा आंसर है, प्लैटिनम, ठीक है, क्योंकि सोडियम तो सबसे सॉफ्ट में आ जाता है, ये पोटेशियम सोडियम ये भी सॉफ्ट में आता है, तो आयरन से ज़्यादा हार्ड आपका प्लैटिनम होता है, ठीक है, प्लैटिनम आपका सबसे हार्ड होता है। द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन द अर्थ, अगर एलिमेंट की बात करें तो आंसर क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऑक्सीजन। अगर मेटल की बात करें तो आंसर होगा एल्यूमिनियम, ठीक है। चलिए ब्रिजमेनाइट इज, ब्रिजमेनाइट क्या है, देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए एग्जाम में तो सेम सेम इसके रिलेटेड आंसर कभी मत लगाना कि ब्रिज एक रिवर पे बना हुआ है, नाम नाम से जो होता है ये गलत होता है हमेशा, ठीक है, कोई गेम का नाम तो होगा नहीं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो आप लोग, तो ये कौन सा होता है, ये आपका वो एलिमेंट है जो ख़त्म होने वाला मिनरल्स है, अर्थ मोस्ट अबंडेंट मिनरल जो सबसे ज़्यादा मात्रा में मिनरल्स होता है वो कौन सा आपका, वो ब्रिजमेनाइट है। चलिए ये आंसर आपका सी ऑप्शन, ठीक है, अबंडेंट मतलब ज़्यादा मात्रा में, प्रचुर मात्रा में। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज फाउंड इन फ्री स्टेट, तो कौन सा मेटल फ्री स्टेट में पाया जाता है, जिसको जंग वगैरह नहीं लगता, ऐसी चीज़ उसका वही उसका आंसर होता है। इसमें देखिए चारों ऑप्शन में जंग किसको नहीं लगता, तो कॉपर इसमें ऐसा होता है जिसको जंग बहुत कम लगता है एज कम्पेयर टू आयरन टिन वगैरह के, जैसे गोल्ड भी आपका होता है, गोल्ड भी होता है आपका जो फ्री स्टेट में पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, देखिए फिर वही क्वेश्चन आ गया, गोल्ड अभी मैंने बता भी दिया, फ्री स्टेट में पाया जाता है गोल्ड, तो ऐसे याद रखना जो जिसमें जंग कम लगता है, ऐसे याद रखना, ठीक है। क्रोमाइट इज़ एन ओर या मिनरल ऑफ, क्रोमाइट किसकी ओर है, तो नाम से पता चल रहा है क्रोमियम, तो मैंने आपको ओर वगैरह पढ़ाई थी इंपॉर्टेंट, हायर आयरन की पढ़ाई थी, एल्युमिनियम की पढ़ाई थी, मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको सिल्वर वगैरह सबकी पढ़ाई थी, तो आई होप आपने पढ़े होगा मेरा चैप्टर, ठीक है, पढ़ा होगा अच्छे से। आगे देखिए, टर्क्यूआइज इज़ एन ओर मिनरल ऑफ, किसका ओर है टर्क्यूआइज, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होगा कॉपर, क्या होगा आंसर, कॉपर। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये और आपको अलग से कॉपी में नोट डाउन कर लो, सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैं आपको इंपॉर्टेंट बता भी दूंगा कौन सा ज़्यादा है, ये इंपॉर्टेंट आपका, ये मैलाचाइट किसकी ओर है, तो ऐसे याद रखना मैलाचाइट, तो जो मैला मतलब गंदा नहीं होता वो आप याद रखोगे कॉपर, ठीक है, ऐसे याद कर लो, जो मैला नहीं होता वो क्या होगा आंसर,
कॉपर इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। सफेलराइट इज एन ओर, सफेलराइट किसकी ओर है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है आपका, ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है ये। चलिए इसको आप वैसे याद कर लेना, इसका आंसर है जिंक, ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, ठीक है, ऐसे ये डाल दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखिए, हाँ कैरनोटाइट इज एन ओरा, कैरनोटाइट किसकी ओर है, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर है यूरेनियम, ये मैंने आपको करवाया भी था, ये मैंने आपको करवाया था मेटल नॉन मेटल में। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैग्नाइट इज एन ओर ऑफ, ठीक है, मैग्नाइट किसकी ओर है, तो आंसर नाम से ही पता चल रहा है किसकी है, मैग्नीश, ठीक है, मैग्नीश की होगी, तो ये मैंने आंसर से ही पता चल रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है। हाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, फाइव मार्क, फाइव स्टार ले दो इसको, ठीक है। तो इसका आंसर आपका सीनावर किसकी, आपकी सीनावर है आपकी मरकरी की, तो ये मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। एक मिनट आप वेट करना, क्वेश्चन कौन सा चल रहा है आपका, सीनावर ये हो गया आपका, ये भी हो गया आपका, ये हो गया आपका बेरिलियम यूरेनियम हो गया, ये भी हो गया, ये चल रहा था ना। चलिए तो इसका आंसर है आपका मरकरी, क्या आंसर है इसका, मरकरी, और ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप फाइव स्टार दे सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एल्युमिनियम की ओर सबको पता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ओर वगैरह मैंने आपको करवाई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर ऑफ लेड, तो लेड की ओर इंपॉर्टेंट कौन सी है, गैलिना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ओर में आपको याद करनी है इंपॉर्टेंट ओर सारी, ठीक है। चलिए टाइप्स ऑफ मेटल यूज इन प्रिंटिंग, जो प्रिंटिंग वगैरह के लिए कौन सा मेटल यूज़ किया जाता है, तो इसका आंसर उसमें एंटीमोनी तो होगा ही होगा, बाकी इसके साथ क्या आ जाएगा आपका, एंटीमोनी के साथ साथ क्या आ जाएगा आपका, लेड, तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर भी होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे देखिए, विच आर द फॉलोइंग इज द प्यूरेस्ट कमर्शियल फॉर्म ऑफ आयरन, तो सबसे प्यूरेस्ट आयरन कौन सा होता है, तो मैंने बताया था रॉट आयरन। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर आसान क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन फिर से आ गया, आगे बढ़ते हैं, चलिए चलिए चलिए। द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कास्ट आयरन, तो कितना होता है, ये 3 से 5% होता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन। चलिए इट हीटिंग ऑफ ओर इन द एब्सेंस ऑफ एयर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड, जब उसके मेल्टिंग पॉइंट से नीचे जहाँ पे एयर नहीं होती हीटिंग किया जाता है, इस मेथड को क्या बोला जाता है, तो उसका आंसर होता है कैल्सिनेशन, क्या होता है उसको बोलते हैं कैल्सिनेशन, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द मेटलर्जी, आप किस मेटलर्जी के लिए ये प्रोसेस यूज़ किया जाता है, इसको आपको नेट पर सर्च करना है और मुझे आंसर बताना है इसका, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा ये मुझे आपको नेट पर सर्च करके बताना है, क्योंकि एक क्वेश्चन एज अ होमवर्क भी आपको देना चाहिए कभी कभी। तो ये आज के क्वेश्चन थे, ये ऑलमोस्ट आपने सारे ही पढ़े हुए थे मेटल नॉन मेटल में। तो अब अगर अभी तक आपने हमारे वो सीरीज़ नहीं देखी है, ठीक है, तो उसको देखिए, ईमानदारी से मेहनत करिए, कहीं से भी पढ़े हो आपको एमसीक्यूज़ करने पड़ेंगे, एमसीक्यूज़ जितने ज़्यादा करोगे उतना बेस्ट होगा, और हम लोग आपको स्पेशली चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ करवा रहे हैं, इससे ज़्यादा और क्या करवा सकते हैं, और इतनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ बच्चे होते हैं वो खैर इन चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं, उनको बस ये होता है कि बस कंप्लेन करनी होती हैं, खैर हम लोग हर एक आदमी को खुश तो नहीं कर सकते, हर एक स्टूडेंट सबका अपना अपना हिसाब होता है, लेकिन हम कुछ दो चार के लिए हम बाकी वाले बच्चों के साथ गलत नहीं कर सकते, इसलिए हम अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाते हैं ताकि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दिया जाए और आपके एग्ज़ाम में मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन इनमें से बन जाए, ठीक है। इसके लिए हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, जगह जगह से शोर से इसको पढ़ना पड़ता है मे बी। सो होपफुली आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और मैटर नॉन मैटर के हमने लगभग 90 प्लस क्वेश्चन कर लिए, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी आपको अभी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपने मेरा चैप्टर देखा होगा प्लस आपने एमसीक्यूज किए होंगे, तो मुझे नहीं लगता कि इसके बाद अब आपको कुछ करना पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है, और इसकी पीडीएफ के लिए तो पेड में तो मिल ही रहा है, बाकी वाले बच्चों के लिए जिसको इसका पीडीएफ चाहिए स्पेशली साइंस का, तो उसका नंबर मैंने इसकी पहली क्लास में दिया था, एमसीक्यू सीरीज़ पहली में देख सकते हो आप, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।